काश मैं एकदम सही टाइम पे आई होती और आप लोगों को वो पक्षी दिखा पाती। सो सैड। आप देखिए ना यहाँ की शाम कितनी शांत है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आज चांद भी आ गया है। फ्रेंड्स गुड इवनिंग। आज मैं आई हूँ मंडला के संगम घाट पे। यहाँ पे इवनिंग बहुत अच्छी होती है और मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे हमें सनसेट देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा सनसेट देखा और ये जो एकदम शांत पानी है नर्मदा जी का, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि नाव जो है वो चलना बंद हो गई है। अभी सब सारी नाव यहाँ पे रखा गई है। मैं अगर आधे घंटे पहले भी आती ना तो मैं अभी नाव पे घूमती। वैसे मैं घूमने के लिए ही आई थी बट मैं थोड़ा सा लेट हो गई, पर कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा अगर मैं इतनी दूर आई हूँ तो मेरे लिए तो ये पास है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं व्लॉग बनाने के लिए यहाँ पर आई थी, तो भले ही छोटा सा व्लॉग बनाऊँ पर व्लॉग मैं बनाऊँगी। और एक दिन मैं और आऊँगी, फिर मैं यहाँ पे नाव पे घूमूँगी, उसका व्लॉग बनाऊँगी, वहाँ से उस पार जाऊँगी, वहाँ पे किला है वो आपको दिखाऊँगी, और यहाँ पे बहुत अच्छे पक्षी आते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। लेकिन इस टाइम पे वो पक्षी जा चुके हैं क्योंकि शाम हो गई, आप देख सकते हैं। वो थोड़े दिन पे रहते हैं और एकदम सुबह सुबह नहीं आते हैं, धूप निकलने के बाद आते हैं। पर कोई बात नहीं, बैड लक है मेरा कि मैं दो बार आ चुकी हूँ यहाँ पर, लेकिन दोनों ही बार में मुझे वो पक्षी आपको मैं नहीं दिखा पाई। बट आप लोग विश करो कि जब मैं नेक्स्ट टाइम अब आऊँगी ना यहाँ पे तो मैं आप लोगों को वो पक्षी दिखा पाऊँ, क्योंकि वो पक्षी बहुत ही खूबसूरत होते हैं और यहाँ पे इतने सारे होते हैं, मतलब अलग ही फील है उनका। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का दिखाऊँगी। ये वाला घाट ना बहुत ज़्यादा गहरा है, यहाँ पे लिखा भी है सावधान पानी गहरा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे पानी पे जाते हैं ना, क्योंकि रेत है तो रेत से तो धंसती जाती है नीचे, इसलिए ये सारा चीज़ लगा कर रखा गया है कि इसके नीचे कोई जाए ना। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट यहाँ पे हो चुके हैं, बहुत से लोग डूब चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छी कर दी गई हैं कि पानी में कोई नहीं जाता है। यहाँ पर जाएंगे तो फिर सीधा नाव से जा सकते हैं घूमने के लिए। यहाँ का व्यू इतना अच्छा लग रहा है, इवनिंग में चांद है देख सकते हैं आप, कहाँ गया ये, और सूरज ढल गया है पापा, सूरज ढल गया, चांद आ गया है और एकदम प्यारी सी इवनिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हाँ चलो यहाँ से। ये क्या है, ये वाली मिट्टी कापू है ना। तो फाइनली यहाँ का पूरा व्लॉग तो बन गया है और दो तीन मंदिर है, मैं वो आपको दिखा देती हूँ।
यहाँ पे कुछ दिन पहले ही संगम का मेला हुआ था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं आई थी लेकिन व्लॉग नहीं बनाई थी। चलो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे हाँ मैं यही हूँ, आप गाड़ी लेके आओ। सिंदूर है ना ये? सिंदूर है ना? इस तरह से सिंदूर यहाँ पे बेचे जाते हैं। देख रही दीदी कौन सा फोटो में दिखा दे। हाँ दिखा रही। ये सारे कलर किस कब काम आते होंगे? ये वाला ये सिंदूर है ना सब है, तो ये कब कब लगाते हैं? अच्छा अच्छा मैं ये वाला देखी हूँ लगाते हैं, और ये वाला सिर्फ। हाँ तो फ्रेंड्स फाइनली अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, बट नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो पक्का इसमें घूमूंगी और आपको वो पक्षी भी दिखाऊंगी। बट अब हम चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे पापा जी जा रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे जाती हूँ। हम जा रहे हैं मंदिर। लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना तो आपको मैंने मंदिर नहीं दिखाया था। यहाँ के बहुत अच्छे मंदिर हैं, बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं, क्योंकि ये मंडला का बहुत ही पुराना घाट है। यहाँ पे बहुत से पुराने पुराने मंदिर हैं जो कि मैंने भी नहीं देखा है, तो अच्छी बात है। चलो चल के देखते हैं और साथ में आपको भी दिखाते हैं। ये यहाँ तक पानी होता है पूरा, लेकिन अभी पानी यहाँ से जा चुका है। सोच सकते हैं जब यहाँ पे पानी होता होगा कितना धंसता होगा ये जगह। जैसे पानी में उतरो सीधे डूब जाओ, इसीलिए पानी से बिल्कुल दूर। चलो पापा पापा तो फटाफट चढ़ गए। यहाँ है मंदिर, यहाँ पे शंकर जी का मंदिर भी है, माता जी का भी मंदिर है। ये माता जी का मंदिर है, मैं आपको दिखाती हूँ। जय माता रानी। ये वाला मंदिर बूढ़ी माई माता जी का है और बहुत पुराना मंदिर है। बैग में ये लो। अरे कितना बोल रहे हैं ना, ये फोटो वीडियो है। फोटो है?
फोटो खींच दिया मैंने। उल्लू बेचारे नाव में गए और पूरे पक्षी यहाँ आ गए अपने पास। पापा के पास तो कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं और अपन जाते तो आते नहीं उतने। वाओ मजा आ रहा है ना पापा। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ कि मैंने आप लोगों को ये पक्षी दिखा पाई आज। बहुत मजा आया। क्या टाइमिंग थी, देख सकते हो पीछे कितने सारे पक्षी हैं। मजा आया बहुत बहुत ज्यादा मजा आया। आई होप आपको भी देखने में उतना ही मजा आया हो क्योंकि बहुत सारे पक्षी है। सबको हमने नमकीन खिलाया और देख ही सकते हैं कितना ज्यादा मजा आया, कितना एंजॉय किया। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाए, बहुत अच्छी फोटोज खींचे, बहुत ज्यादा मजा आया। तो बहुत मजा आया और हम नाव पर नहीं गए और जिस वजह से नाव वाले हमसे चिढ़ गए और जितने भी पक्षी आ रहे थे उनको हमसे दूर भगा रहे थे हल्ला करके। लेकिन हम उनके लिए बहुत अच्छा खाना लाए थे, हमने उनके लिए नमकीन लाया था। तो सारे पक्षी हमारे पास थे और जितने भी लोग नाव पे गए थे उनके पास एक भी पक्षी नहीं थे। और बहुत मजा आया। अभी थोड़ा सा और जा रहे हैं क्योंकि पक्षी अब इस साइड पे भी हैं, तो एक बार यहाँ पे देख के आते हैं। हाँ चलो, खिलाने को तो बचा नहीं, अब खत्म। यहाँ पे वैसे बेचने वाले को रखना चाहिए ना, थोड़ा सा भी खरीद सकते थे। यहाँ तो नहा रहे हैं सब। हाँ हाँ वो है सारे पक्षी। ओ सब उड़े गए, ये जाने लगे, चले गए अपने घर चले गए। हाँ अब कल आएंगे, सुबह मॉर्निंग पे आते हैं सूरज जाने के बाद। यहाँ जो बैठे थे ना सब एक साथ जाते हैं, देखो कितने प्यारे थे, मोती जैसे लग रहे हैं। पता नहीं जूम करने पे आ रहा है कि नहीं, बट सब चले गए। अब वो कल आएंगे सीधा। क्या टाइमिंग है ना इनकी। थैंक गॉड कि अपन थोड़ा जल्दी आए थे आज। अच्छा 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 आपकी बात ले आएंगे बारीक करके। कोई बताता है नमकीन खाते हैं, कोई बताता है मुर्गा खाते हैं, बट अपन ने एक्सपीरियंस किया ना कि वो सीओ खाए सीओ नमकीन, तो अपन उसको ही लाएंगे नेक्स्ट टाइम से। तो फाइनली फ्रेंड्स पूरे पक्षी, अब मैंने आपको वीडियो क्लिप में दिखाया, पूरे पक्षी यहाँ से जा चुके हैं। वो कहीं दूर पे रहते हैं उस साइड पे, वो ब्रिज के उस पार, रपटा के उस पार रहते हैं और उनका एकदम टाइम फिक्स रहता है। मॉर्निंग में जैसे सनसेट। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बहुत सारे वीडियो शूट किया, फोटोज भी क्लिक किया और मैंने आपको बहुत सारे पक्षी भी दिखाया। नदी के उस तरफ पे किला है, ये देख सकते हैं आप, मैंने जूम किया। कभी मैं वहाँ का भी व्लॉग बनाकर आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पर क्या है। फाइनली फ्रेंड्स यहाँ का मैंने आपको पूरा व्लॉग दिखाया, बहुत अच्छे से वीडियो बना, बट नेक्स्ट टाइम अच्छे से और बनाऊंगी। घूमने जाएंगे हम, तब तक के लिए जाते हैं हम घर। बाय बाय।